और ये कहना गलत नहीं होगा कि निर्ममता बनर्जी की न्याय देने की क्षमता पे सवाल उठा है आज। निर्ममता बनर्जी न्याय नहीं दिलवा पा रही। हम सब जानते हैं कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आदेश में पूरी जांच को सीबीआई को ट्रांसफर किया है, लेकिन क्या परिस्थिति थी, क्या ऑब्जर्वेशंस है, रेशियो क्या है इस जजमेंट का कि ये इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफर करना पड़ा। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहूंगा, ऐसा प्रतीत होता है जजमेंट पढ़ने के बाद और मीडिया ने जो भूमिका अदा करी है, जो तथ्य सामने रखे हैं कि ममता बनर्जी किसी को बचा रही हैं। ये कौन है, ये लोग कौन हैं? ममता बनर्जी को आज जवाब देना होगा। क्राइम सीन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपको बता दूं, जो पहले 48 घंटे होते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं एविडेंस कलेक्शन के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए। और ममता बनर्जी ने एक बयान दिया जब ये कुकर्म किया गया, जब ये जघन्य अपराध घटित हुआ, उसके एक दिन बाद कहा कि मैं सीबीआई जांच ट्रांसफर कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो ममता बनर्जी, आपसे यह सवाल है, कुछ दिनों के बाद क्यों, तुरंत क्यों नहीं, जिससे कि एक निष्पक्ष जांच सीबीआई करती, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करती, एविडेंस कलेक्ट होता और अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो, डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा हो, यह सुनिश्चित करती उसी एविडेंस के आधार पे। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा अभी नहीं, कुछ दिन के बाद।